हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र यादव और आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के जाने माने सिंगर जावेद अली, जिनको आप रोज टीवी पर देखते हैं और जिनकी आवाज़ के आप फैन हैं। तो आज हम आपको उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं। वेलकम जावेद सर। थैंक यू वेरी मच जी। सर, आप भी अपने रियलिटी शो के जरिए सच्चे सुरों को तलाश रहे हैं और MTV इंडिया म्यूजिक समिट का स्लोगन भी है सच्चा सुर, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सच्चे सुर एक ईमान की बात होती है और जो इंसान सच्चे सुर को प्यार नहीं करता वो मुझे लगता है बेईमान है। सच्चे सुर को मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसा होगा कि जो सच्चे सुर को प्यार ना करता है। तो सभी ईमानदार तो हैं ही ऑफकोर्स। तो सच्चे सुर को मैं की डेफिनेशन मैं यही मानता हूँ, और अगर सच्चा सुर नहीं है तो हम वो चीज़ जो हमें करनी चाहिए या हमें तलाशनी चाहिए म्यूज़िक में, वो नहीं हमें मिलेगी। सर, हम देखते हैं कि आजकल के बच्चों में टैलेंट तो बहुत है, एक से बढ़कर एक वॉइस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कमी है कि क्लासिकल की जो नॉलेज है या जो नींव है उनकी, कई बच्चों में वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं आजकल देख रहा हूँ, जैसे हम रियलिटी काफ़ी रियलिटी शो कर चुके हैं, तो जो बेसिक जो चीज़ होती है या बेसिक जो शुरुआत होती है वो अगर क्लासिकल नहीं है तो पुख्ता नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां तक कि वो सोचता है कि उसको पहुंचना चाहिए। मैं आजकल मतलब काफ़ी बच्चों में देख रहा हूं कि ना वो स्टार्ट अपना ना क्लासिकल से शुरू करते हैं, बट लेकिन है ना उसको एक चिंगारी लगाना बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर एक लत लगाना ज़रूरी है कि ना, ताकि उनके अंदर शौक जौक पैदा हो क्लासिकल को सीखने का। क्योंकि आजकल नई जनरेशन इन द सेंस कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चे इससे इंस्पायर भी हो रहे हैं, और काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि क्लासिकल मतलब ओ माय गॉड, हमको कुछ थोड़ी सी और चीज़ करनी है या वेस्टर्न करना है या जो भी करना है। तो कहीं ना कहीं अगर ना क्लासिकल अगर आपका पक्का है, या क्लासिकल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी राय है, तो आप वेस्टर्न भी कर सकते हैं, आप पॉप भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने बेसिक क्लासिकल की ट्रेनिंग ली है। सर, हम देखते हैं, मैं आपके शो को फॉलो करता हूँ, कि जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो उनको आलाप और उनकी जो बारीकियाँ हैं बहुत, उनके बारे में बहुत अच्छा तरीके से समझाते हैं, और वो झलक आपके गानों में देखने को मिलती है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसे गाने कम ही बनते हैं और कम ही सुनाई देते हैं। नहीं, क्या होता है, देखिए, अगर एक इस तरह का गाना आता है तो वो गाना 50 गाने के बराबर होता है। अगर इस तरह का एक गाना एक आर्टिस्ट गाता है तो एक बंदा 4 गाने गा रहा है या 10 गाने गा रहा है वो अलग, और ये एक गाना गाने वाला बंदा अलग, तो ये एक डिफरेंस तो होता है। क्योंकि अगर आप मानते हैं, अगर आपको लगता है कि ना मैं मेरे गाने में या मेरे म्यूज़िक में क्लासिकल की थोड़ी सी भी झलक है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया। बिल्कुल सर। अच्छा सर, वेब सीरीज़ का चलन जोरों पर है, हम बॉलीवुड फिल्मों की कल्पना बिना संगीत के या बिना गाने के नहीं कर सकते, लेकिन उनमें तो सॉन्ग्स ही नहीं है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अभी कुछ वेब सीरीज़ में मैंने भी गाया है काफ़ी अच्छा। इनफैक्ट ना अभी एक हमने वेब सीरीज़ की है जिसमें जो राग बेस है, और जो बंदिश बैंडिट करके एक ना वेब सीरीज़ आने वाली है जिसमें मैंने अभी शंकर महादेवन जी के लिए गाया है, और मुझे खुशी है कि मैं उसमें पूरा क्लासिकल गाया। तो सर, क्या आपको लगता है कि वो जो क्लासिकल का दौर था जो हम 70s में 60s में सुना करते थे, क्या वो वापस लौटेगा? देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्लासिकल का जो चलन है, क्लासिकल की जो खुशबू है या क्लासिकल की जो साख है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं ये नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता कि ना वो दौर, उस तरह का दौर वापस आएगा, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता क्लासिकल म्यूज़िक। सर, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, उस्ताद गुलाम अली खान साहब का आपको काफ़ी आशीर्वाद मिला है, उनके लाइव कंसर्ट्स में गाने का मौका मिला है, और हमने सुना है कि आपने अपना जो नाम है वो भी उनको ट्रिब्यूट करते हुए चेंज किया। हाँ जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, और ये बहुत ही एक कोइंसिडेंटली हुआ। एक बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया ऐसे ही कि ना, बिकॉज़ मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, गुलाम अली खान साहब का, तो मैं ये सोचता था कि
काश कि मैं भी कभी, मेरा भी इतना नाम हो और उनके जैसा मैं बनूं और जितना लोग उनको प्यार करते हैं मुझे भी प्यार करें। तो मेरा, उनका नाम ग़ुलाम अली है, एक थॉट आया, एक बचपन में आया था ये थॉट, ग़ुलाम अली उनका नाम है, तो मेरा नाम जावेद हुसैन है, तो जावेद अली अगर मेरा नाम हुआ तो कैसा। तो मेरे डैडी को मैंने पूछा, तो मेरे डैडी ने मुझे बताया कि क्यों नहीं, उस्ताद आपको ज़िंदगी की राह दिखाता है, आपको इस काबिल बनाता है कि ना आप ज़िंदगी में वो अचीव कर सको जो आप पाना चाहते हो, तो आप रखो जावेद अली अपना नाम। तो इस तरह से मैंने अपना नाम एज अ ट्रिब्यूट चेंज किया। आज के ज़माने में जहाँ यूथ्स के अंदर ख़ास तौर से देखा जाए तो वो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं, उस दौर में MTV इंडिया म्यूज़िक समिट एक ऐसा मंच लेकर आया है जहाँ पर वो श्रोताओं को क्लासिकल देता है, फ्यूजन भी देता है, इस बारे में क्या कहेंगे ये जो प्रयास है इनका? ये बहुत ही बड़ी शुरुआत है, बहुत बड़ी पहल है, और मैं बहुत उनकी प्रशंसा करता हूँ और बहुत ही उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया और इस तरह से क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, क्लासिकल म्यूज़िक की जो ताजगी है वो लोगों को मिलेगी और लोगों को उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। तो उनकी इस पहल को, उनके इस इनिशिएटिव को मेरा बहुत बहुत सलाम है। और सर दिवाली आ रही है तो हमारे दर्शकों को और आपके फैंस को दिवाली विशेष क्या देना चाहेंगे? हाँ जी, हाय, मैं हूँ जावेद अली और मेरी तरफ से जितने भी दर्शक हैं राजस्थान पत्रिका के, उन सबको हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली।